शेख, मुझे ये सवाल करना था कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है और हमें पता है कि वो एलिजिस नहीं थे, तो उनके बारे में जब भी हमें इंतकाल की जब खबर मिलती है तो हम दुआ जब करते हैं उनके लिए मगफिरत की, तो हमें जब पता है वो एलिजिस नहीं थे तो क्या हम उनके लिए मगफिरत की दुआ कर सकते हैं? जब हमें पता है कि मुस्लिम थे बिल्कुल, वो, हर और जो ये मुसलमान के दलील लिए देते हैं माफ कि जी, मुकम्मल करें बात। जी, जो दलील देते हैं कि इस तरह से अबू तालिब के लिए सलाम दुआ की थी, उनके वालिद के लिए दुआ की थी, और उतना ने कहा कि नहीं करना देखिए, सबसे पहली बात, हर मुसलमान के लिए मगफिरत की दुआ की जाएगी। जो आदमी भी दायरे इस्लाम के अंदर मौजूद है, उसके लिए मगफिरत की दुआ आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। उस पर आपको भी इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। और जो आपने अबू तालिब, अल्लाह के नबी ससम के चचा अबू तालिब की बात की, तो आप बताइए मुझे कि वो अहले हदीस थे कि नहीं थे? अजीब अजीब, मतलब लोग नहीं। अजीब अजीब लॉजिक पेश करते कौन हैं। से वाली? वो नॉन मुस्लिम थे, वो इस्लाम नहीं लाए थे, उनको यहां पर उनका मसला कहां से आ गया? वो हम मुसलमान ही मुसलमानों नहीं, की बात कर रहे हैं, वो मुसलमान ही नहीं थे। लेकिन फिर भी शेख, जिस तरह से मुस्लिम है वो, जिस तरह से शिर्क वगैरह जो होते हैं, तो उस तरह ठीक से है, अगर फिर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो अहले हदीसों के अलावा जो दूसरे मसलक के लोग हैं, क्या आप उनको काफिर समझती हैं? जी, मेरा सवाल है शेख, लोग ऐसा नहीं कहते हैं नहीं कि जब ये इस तरह आपके आप आपके सवाल का सवाल जवाब का दें। जवाब आपके सवाल का जवाब इसी सवाल के अंदर है। क्या अहले हदीसों के अलावा जो दूसरे मुसलमान हैं, क्या वो सब काफिर हैं? जी नहीं, जिस तरह से आपने नमाज के बारे में कहा था कि हम नमाज जो है किसी के पीछे पढ़ सकते हैं, हम किसी को भी काफिर नहीं कह सकते जब तक वो बिल्कुल कलमा पढ़ रहा नहीं, है। बिल्कुल वो मुसलमान है, वो भाई मुसलमान है, वो गलत, अगर किसी, अगर कुछ मसाइल में उनसे वो गलत कर रहे हैं, तो गलत करने की वजह से वो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएंगे। ये हम अहले हदीसों, अगर आप अहले हदीस हैं, तो सबसे पहले इस बात को मानिए कि अहले हदीस मुर्तकबे कबीरा को, बिदाती को जो है दायरे इस्लाम से खारिज नहीं करते हैं। अहले हदीस, इसको माने बगैर आप अहले हदीस नहीं हो सकते। जी सच्चे अहले हदीस जी। जी बिल्कुल, इसको माने, जो अगर कोई ऐसे ही किसी जो है गुनाह पर, किसी बिदात पर कोई अगर तकफीर कर रहा है किसी की, तो वो अहले हदीस नहीं है, वो अपने आप को चाहे जितना अहले हदीस समझे। ये तरीका जी तो गैर अहले हदीसों का है कि अपने अलावा सारे लोगों को काफिर समझो। हम अहले जब भी हदीसों किसी का इंतकाल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ना शेख, जब भी इंतकाल होता है, जब हम जिस तरह से स्टेटस वगैरह डालते हैं व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पर, तो उस वक्त जो सवाल ये आता है, कोई करता है कि भाई आप जिनका इंतकाल हुआ क्या वो वालिदिस थे क्या? अगर नहीं थे तो फिर आप इनके लिए मगफिरत की फिर दुआ ना आप करें, ऐसा उनसे कैसे कह सकते? पूछिए, आप उनसे पूछिए कि क्या आप उनको मुसलमान समझते हैं या उनको काफिर समझते हैं। अगर काफिर समझते हैं, तो ऐलान कीजिए कि मैं फलां को काफिर समझ रहा हूं। जी, जज़ाकअल्लाह। अजीब सूरत हाल है तकफीर। ये मतलब हिंदुस्तानी मुआशरे के अंदर भी, जहां की, जहां पर आम तौर से दीन के सिलसिले में जहालत है लोगों के अंदर, वहां पे भी लोग, हर आमो खास आदमी तकफीर करता फिर रहा है। अच्छा शेख, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये बहन किस शहर से रहने वाले हैं, मतलब कुछ बता सकते हैं? खासकर मुंबई में, मुंबई मुंबई जी, मुंबई में कुछ इलाके ऐसे जी। हैं जहाँ पर ये फितना बहुत तेजी से साथ शेख चल रहा है। मिसाल के शेख तौर पर कैसा है हमारा कि ये हम फितना था। एलिजिस हो जा रहे, लेकिन घर वाले जो एलिजिस नहीं होते खानदान में, तो अगर जिसी का इंतकाल अगर होता है हम उसके लिए दुआ करते हैं, तो इस तरह से जवाब हमें कमेंट में मतलब ऐसा मिलता है कि आप इनके लिए दुआ कर रहे हो, तो क्या ये एलिजिस थे क्या? नहीं, वो एलिजिस नहीं, तो फिर आप दुआ ना करें, इस तरह से जो है कमेंट आता है, तो इसलिए दुआ बात ना करने का, है। देखिए उसका लाजमी नतीजा यही हुआ, उसका रिजल्ट कंक्लूजन जो है वो यही हुआ दुआ ना करने का, कि आप उसको, सामने वाले को काफिर समझ रहे हैं। भाई आपको नहीं करना है, आपकी मर्जी, आपको कोई मजबूर नहीं, लेकिन आप ये तो मत कहिए कि उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। दुआ नहीं कर सकते का मतलब ही यही हुआ कि वो काफिर है, जो इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है। अगर कोई ऐसा समझ समझ रहा है, तो अपने ईमान की खैर मनाए वो।